हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, हम लोग इस टॉपिक में, अगर जिनको पूरे अच्छे से जानना हो वो प्लीज़ मेरी पिछली वीडियोस ज़रूर देखें। ठीक है, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से कंटिन्यूटी में चल रहे हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग आपके सामने आज टेकअप कर रहे हैं वो सबसे पहले है रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज को कैसे शो कर रहा है इसके अंदर, देखिए जरा ध्यान से। जो मेन पॉइंट है नोटिस करने वाला वो ये कि हाइड्रोजन की जो एफिनिटी है, जो लगाव है, जो प्यार है, किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को फटाफट से जो है उसके साथ रिएक्ट करके वाटर की फॉर्मेशन जो है वो कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो हाइड्रोजन है एक बहुत ही सूटेबल, जिसको बोलते हैं कंपाउंड है, अगर हमें किसी के अंदर से ऑक्सीजन को रिमूव करना हो। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में आगे कि कैसे ऑक्सीजन रिमूव हो रही है उसमें हम लोग जानेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्साइड्स ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, मतलब जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग मेटल्स नहीं है, बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करते, जैसे एल्कली मेटल्स हैं, सोडियम पोटेशियम हो गया। ठीक है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, अगर हम आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में जाना हो तो सबसे ऊपर जो है वो सोडियम पोटाशियम आते हैं, उसके बाद सेंटर की अगर हम बात करें तो जिंक हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, मर्करी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब जो इस रिएक्टिविटी सीरीज में थोड़ा सा मिडल में और नीचे लाई कर रहे हैं, उन मेटल्स की अगर हम बात करें, जैसे कि कॉपर है यहाँ पे, टिन है, आयरन है, लेड है। ठीक है, तो उन मेटल्स के ऑक्साइड्स को हम लोग इजीली मेटल्स में रिड्यूस कर सकते हैं, किसको यूज करके? हाइड्रोजन को यूज करके। तो देखो कैसे, जैसे यहां पे लेड का ऑक्साइड आपके सामने यहां पे दिया हुआ है, तो PbO प्लस H2, तो लेड ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो ये लेड प्लस H2O का फॉर्मेशन कर रहा है। तो देखो यहां पर लेड ने ऑक्सीजन को लूज कर दिया और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन कर दिया। तो हाइड्रोजन की प्रेजेंस में लेड ने ऑक्सीजन को लूज किया और लेड क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन इसलिए यहां पे जो है अपनी रिड्यूसिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। आगे देखो यहां पे कॉपर ऑक्साइड सिमिलरली हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है? कॉपर प्लस H2O का फॉर्मेशन कर रहा है। सिमिलरली आयरन का Fe3O4 जो है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके जो है वो Fe प्लस वाटर का जो है वो फॉर्मेशन जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम जनरल बात करें तो जैसे टिन का भी ऑक्साइड है, या और भी ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं और जिनके ऑक्साइड्स को हम लोग मेटल के अंदर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें अगर मैं जनरल बात करूं तो अगर ये जनरल फॉर्मूला मैं किसी भी मेटल ऑक्साइड का ले लूं जिसमें मेटल एक्स प्रेजेंट है और ऑक्सीजन वाई प्रेजेंट है, तो उसमें मैं हाइड्रोजन जो है अगर डालूं तो मेरे पास मेटल का फॉर्मेशन हो रहा है प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जनरल यही है कि हाइड्रोजन जो भी हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं वो वाटर में चेंज हो रहा है और मेटल जो ऑक्साइड है वो अपने ऑक्सीजन को लूज करके जो है वो मेटल के अंदर चेंज हो रहा है और हाइड्रोजन जो है वो वाटर के अंदर जो है यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शंस बहुत ज्यादा यूजफुल होती हैं किन टॉपिक्स में? यूजुअली एक्सट्रैक्शंस जैसे टॉपिक में, जहां पे हम लोग मेटल ऑक्साइड्स हों, कार्बोनेट्स हों, सल्फाइड्स हों, सबको यूजुअली हम लोग ऑक्साइड्स में चेंज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑक्साइड्स से जो रिडक्शन है वो कंपैरेटिवली ईजी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो हाइड्रोजन को रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में यूज करके मेटल ऑक्साइड्स को जो है वो मेटल में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि खाली मेटल ऑक्साइड्स को ही हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस कर रहा है। अगर आप थोड़ा सा इधर फोकस करें तो यहां पे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन कैन ऑल्सो रिड्यूस मेटल आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हटके रिएक्शन है इससे। तो यहां पे देखो एक एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें मैंने ये Pd2 पॉजिटिव लिया है। ठीक है, साथ में अगर मैं हाइड्रोजन इसमें डालूं तो ये Pd2 पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके जो है वो Pd में चेंज होगा और हाइड्रोजन जो है यहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करके H पॉजिटिव में जो है वो चेंज हो रही है। तो यहां पे देखो एक्वस सॉल्यूशंस को भी इवन जो है
हम लोग मेटल आयंस को एक्वस सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट है हाइड्रोजन की मदद से जो है इनको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि मेटल ऑक्साइड्स को हम लोग हाइड्रोजन डाल के मेटल्स में चेंज कर सकते हैं, और इवन एक्वस सॉल्यूशंस में जो मेटल आयंस प्रेजेंट हैं उनको हम लोग मेटल्स में जो है हाइड्रोजन यूज करके कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो समझ आ गई है, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो टेकअप करूंगा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, यूजुअली जो कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन जो है यूजुअली प्रेजेंट है उनको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहां पे देख रहे हैं, उन्हीं के साथ हम लोग यहां पे रिएक्शंस देख रहे हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन आप लोगों ने ऑलरेडी जो है क्लास 10th में पढ़ी हुई है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन के अंदर क्या होता है, मेरे पास कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, ठीक है, जैसे यहां पे एक वेजिटेबल ऑयल जो है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कोई पूछेगा क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां पे देखो हाइड्रोजन हम लोग इसमें डाल रहे हैं निकल की प्रेजेंस में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि निकल जो है वो हाइड्रोजन को अपने सर्फेस पे एब्जॉर्ब कर लेता है, तो एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन हम इसको यहां पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड साइट जो है जहां पे भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है हाइड्रोजन से रिएक्ट करके वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, वहां पे हाइड्रोजन का जो है एक एडिशन हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम ये छोटी छोटी टर्म्स आप लोग अगर ध्यान दो, तो इसको वेजिटेबल ऑयल को हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यहां पे वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, निकल की प्रेजेंस के बाद एडिबल फैट्स में चेंज हो रहा है जो कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसमें एनसीईआरटी में अगर आप लोग ध्यान से देखो तो मार्गरीन और वनस्पति घी जो है वो एडिबल फैट्स के एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। तो एडिबल फैट्स जो है ये दोनों एडिबल फैट्स हैं जो कि वेजिटेबल ऑयल जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन से रिएक्ट करवा के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो है वो चेंज कर रहे हैं, ठीक है। होप आपको ये समझ में आ गया, क्योंकि ये रिएक्शन ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 10th में एडिशन रिएक्शंस के अंदर जो है वो पढ़ी हुई है, ठीक है।